आईपीएल 2022 का फर्स्ट क्वालिफायर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में ये मैच होने वाला है। काफी शानदार धमाकेदार ये मैच होगा। आईपीएल की दो बेस्ट साइड्स इस साल की यहाँ पर इस क्वालिफायर मैच में खेलने वाली, और ऐसे में आज की स्टूडियो में आज हम इसी मैच का प्रीव्यू करेंगे। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात टाइटन्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो शुभमन गिल ओपन करेंगे यहाँ पर रिद्धिमान साह के साथ। शुभमन गिल का फॉर्म थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन रिद्धिमान साह तो काफी बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं। नंबर 3 पर मैथ्यू वेड, नंबर 4 की बात करें तो वहां पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे, जिनका पिछले मैच में फॉर्म दिखा था। नंबर 5 पर हमें डेविड मिलर खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने लगातार इस सीजन में रन बनाया। नंबर 6 की बात करें तो वहां पर हमें राहुल तेवतिया खेलते हुए नजर आएंगे, जिनका भी सीजन बढ़िया रहा है। वहीं पर बात करें नंबर 7 की तो वहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे राशिद खान, जिनका सीजन काफी बढ़िया रहा है, बल्ले के साथ भी गेंद के साथ भी। नंबर 8 पर मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने भी इस साल अच्छी खासी विकेट चटकाई है। नंबर 9 की बात करें तो वहां पर हमें यश दयाल खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 पर लोकी फर्ग्यूसन और नंबर 11 पर हमें आर साई किशोर खेलते हुए नजर आएंगे। तो यह है यहां पर गुजरात टाइटन्स की प्लेइंग 11 होने वाली है। जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 खेली थी आरसीबी अगेंस्ट, वही होगी, कोई बदलाव यहां पर नहीं होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जॉस बटलर का फॉर्म काफी डिप हुआ है पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन वो खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 की बात करें तो वहां पर हमें संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे, इनसे बड़ी पारी की उम्मीद है। नंबर 4 की बात करें तो वहां पर हमें देवदत्त पाटीकल खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने मिडल ऑर्डर में भी 2-3 अच्छी पारियां खेली थी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। नंबर 5 पर शिमरॉन हेटमैन खेलते हुए नजर आएंगे, जिनका भी सीजन काफी बढ़िया रहा था। नंबर 6 की बात करें तो वहां पर हमें रियान पराग खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें हम नंबर 7 की तो वहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे रविचंद्रन अश्विन। बैटिंग ऑर्डर में ये थोड़ा ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछला मैच काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने जिताया भी था। नंबर 8 पर ट्रेंट बोल्ट खेलते हुए नजर आएंगे, जो भी बढ़िया फॉर्म में है, पिछले कुछ मैचेस में फॉर्म आया है। नंबर 9 पर हमें ओबेड मैकॉय खेलते हुए नजर आएंगे, जिनका पिछला मैच बढ़िया रहा था। नंबर 10 की बात करें तो वहां पर हमें यूजी चहल खेलते हुए नजर आएंगे, जिनका तो सीजन काफी बढ़िया रहा है। और नंबर 11 की बात करें तो वहां पर हमें प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने ऑलमोस्ट हर एक मैच में विकेट लिए हैं, बढ़िया इनका सीजन रहा है। तो ये राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स की टीम की जो प्लेइंग 11 थी सीएसके अगेंस्ट, जो प्लेइंग 11 खेली थी वही प्लेइंग 11 खेलती हुई नजर आएगी। रही बात प्रेडिक्शन की, तो यहां पर मुझे लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम मैच जीतेगी और फाइनल में अपनी जगह बना लेगी। आपकी क्या राय है, कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।